हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोली। टुडेज टॉपिक इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन इज अ फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। द फोर्स इज देन विड्रॉन एंड द बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 m/s। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब क्या दिया है, गिवन क्या है, क्वेश्चन से देखिए। फोर्स एक्ट फॉर 0.1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। एक्ट फॉर 0.1 सेकेंड यानी कि टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, एम इज इक्वल टू 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, इट मीन्स यू इज इक्वल टू 0। द फोर्स इज देन विड्रॉन, द फोर्स इज देन विड्रॉन यानी कि फोर्स वापस ले लिया गया एंड हटा दिया गया, एंड द बॉडी मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 m/s, वी इज इक्वल टू 2 m/s। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो क्या क्या गिवन है ये देखिए, आप बता दिए मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो गिवन टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, एम इज इक्वल टू 2 kg, यू इज इक्वल टू 0 इनिशियली एड्रेस, वी इज इक्वल टू 2 m/s, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन। बट यहाँ एम दिया है, ए नहीं दिया है, तो ए इज इक्वल टू ऑल्सो क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी इज इक्वल टू 2 m/s दिया हुआ है। वी यू 0, ए फाइंड आउट करना है, और टी मल्टीप्लाइड बाय टी 0.1 सेकेंड। तो नेक्स्ट सॉल्व इट, तो 2 इज इक्वल टू 0.1 a, तो a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो इक्वल टू के तो डिवाइड में जाएगा, 2/0.1, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 एक्सीड हो जाएगा 10। तो और ये मैथमेटिकल वो है, सॉल्विंग आपको मालूम होनी चाहिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/1, तो यानी कि 20 m/s² एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गई, निकल आई, तो फोर्स इज इक्वल टू एफ, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम दिया है 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 20 m/s, ए इज इक्वल टू 20 m/s², तो 20 × 40 kg/m² तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 40 N। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 g मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 m/s इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय ए प्लेयर इन 0.03 सेकेंड। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिए हैं, गिवन है क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 g, तो ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर में है, यूनिट सारी एक होनी चाहिए क्वेश्चन में जो दी गई है। अगर बिगर और स्मॉलर अलग अलग दी गई है तो उनको एक में हम लाते हैं यूनिफॉर्म में, मतलब कि अगर ग्राम में दी गई है वो इसमें स्मॉलर यूनिट में, तो सारी स्मॉलर में होनी चाहिए, और बिगर में तो सारी बिगर में होनी चाहिए। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, एम इज इक्वल टू 100 g मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 m/s। तो यहाँ पर कोई रेस्ट में नहीं है, क्रिकेट बॉल जो 100 g की है वो मूव कर रही है एट ए स्पीड, तो यू इज इक्वल टू 30 m/s इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब उसको रेस्ट में लाया जा रहा है यानी कि उसको रोका जा रहा है, ब्रॉट टू रेस्ट बाय ए प्लेयर, तो उसको यानी कि वी इज इक्वल टू 0, ब्रॉट टू रेस्ट में लाने का वी इज इक्वल टू 0 बाय ए प्लेयर इन 0.03 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड। ओके, फाइंड द
एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर। तो इसको रोकने के लिए भी, तो जब हम चलाने के लिए हमें फोर्स की एप्लीकेबिलिटी होती है, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी, किसी भी चीज को मूवमेंट में है उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होगी। तो एवरेज फोर्स एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन इज गिवन। गिवन क्या क्या है बता दिया। एम को अब हम 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.1 केजी, और यू इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड। तो एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन एंड ए ऑल्सो क्वेश्चन, बिकॉज ए इज नॉट गिवन, नहीं दिया गया है। तो इसलिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो 0 इज इक्वल टू 30, u इज इक्वल टू 30 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 0.03 सेकेंड, 30 प्लस 0.03 a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.03 a और इज इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस b इन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो 0.03 a इज इक्वल टू माइनस 30, तो a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन 0.03 और मल्टीप्लाई, तो 0.03 है, डैश में हटाएंगे 100, ऊपर दो टू के बाद डैश में प्लेस है, डैश में के बाद टू प्लेस नंबर है, तो इसलिए 100 हो, तो 3 10 जब 30, तो माइनस 100। तो एक्सेलरेशन इज माइनस, नेगेटिव साइन शोज, व्हाट शोज, नेगेटिव साइन शोज इंडिकेट्स रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कहे या नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव साइन है तो इट इज नॉट रिटार्डेशन, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन। ओके, तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप एफ फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट कर लिया हमने, एफ इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए, एफ बराबर एम इंटू ए, तो एम 0.1 केजी, ये अभी हमने चेंज किया था, अब 0.1 केजी और ए इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन निकला है, बट इट इज रिटार्डेशन या ऑल्सो निगेटिव एक्सेलरेशन। तो 0.1 डैश में 1/10, तो 1/10 कैंसिल, तो 100 बन जो 1 केजी मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ऑफ मास 480 केजी मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोग्राम पर आवर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। यहाँ भी फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, ये फोर्सेस, फोर्स फाइंड आउट करना है। कार ऑफ मास 480 केजी, यानी कि एम दिया है, गिवन, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आर, तो ये क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है के यू, स्पीड वेलोसिटी जो है वो विद डायरेक्शन होती है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताया है, तो इसलिए स्पीड कहा है, स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, दो तरीके बताए हैं आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो भी आप चाहें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैलकुलेट करके यहाँ दिखाया है, और स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 10 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड गिवन है। तो क्या क्या दिया है, एम यू टी, एफ फाइंड आउट करना है, तो ए नहीं दिया है, तो ए हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो एम यू, यू को हम फाइंड आउट कर, यू को हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर से, तो 5/18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15,
15 मीटर पर सेकेंड और v इज इक्वल टू जीरो है क्योंकि बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स इट इज स्टॉप्ड, तो v इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड f इज इक्वल टू क्वेश्चन, a इज इक्वल टू क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो जीरो v इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू 15 निकला है जो 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, इट इज चेंज इनटू 15 मीटर पर सेकेंड प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकेंड तक, तो 15 प्लस a 10a 10 सेकेंड तक अप्लाई किया इट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 10 सेकेंड में अप्लाई किया गया है, 10 सेकेंड तक अप्लाइंग ब्रेक्स इन 10 सेकेंड, तो फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तो a इज इक्वल टू माइनस 15, फिर वही a प्लस b इज इक्वल टू जीरो, तो a इज इक्वल टू माइनस b, तो 10a इज इक्वल टू माइनस 15 ओके, और a इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 10 तो इज इक्वल टू 1.5 नेगेटिव साइन के साथ एक्सेलरेशन होगा, तो इट इंडिकेट्स रिटार्डेशन ऑफ कार 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट f इज इक्वल टू m इंटू a, तो m हमें दिया है 480 केजी और a फाइंड आउट किया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि अप्लाई हो रहा है रोकने के लिए तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा 1.5 मीटर, तो डैश मिटाया 10 और 10 कैंसिल 480 जीरो से 48 मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। 48 को एक सिंपल तरीका बता रहे हैं, 48 को कोई भी बड़ी अगर यूनिट वो है मार्क है नंबर है तो 48 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 को आप 10 और प्लस 5 कर लीजिए, तो 48 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 480 और 48 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो उसका 480 का आधा कीजिए 240, तो 480 प्लस 240 इज इक्वल टू 720, तो 720 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके, तो f इज इक्वल टू 720, इट इज ऑल्सो डिनोटेड न्यूटन, 720 न्यूटन। थैंक्स। कुछ सवाल